दोस्तों नमस्कार। मैं आज आरक्षण के बारे में कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि स्थानीय निकाय एवं नगरीय निकाय के निर्वाचन में ओबीसी का आरक्षण समाप्त किए जाने पर ओबीसी एसटीएससी के लोग नाराजगी एवं विरोध प्रदर्शन तो किया ही और रीवा में देखा गया कि 18 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए और वहां पर पंडाल के जो कुर्सियां थी पूरी खाली दिखी, जिसमें ओबीसी और एसटीएससी के लोग इनके जो झूठ का घोषणाएं होती हैं उसके बारे में समझ रहे हैं और ओबीसी को इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए न तो कोई संविधान में पास हुआ न कहीं कुछ हुआ, बोले इन्होंने 27% आरक्षण है दूंगा, लेकिन ओबीसी को 27% पूर्व के 30 वर्षों में 25% से कम आरक्षण स्वीकार नहीं होगा, यह ओबीसी के लोगों का मानना है। जबकि कुछ जिलों में जैसे डिंडोरी, अनूपपुर, झाबुआ, एसटीएससी की जनसंख्या 50% से लगभग है, वहाँ पर ओबीसी का आरक्षण शून्य होगा, क्योंकि 50% से आरक्षण ज़्यादा होना नहीं चाहिए और बिना संविधान संशोधन के अपनी सरकार बचाने के लिए आरक्षण दे रही है। विगत 30 वर्षों से मिल रहे आरक्षण के रखना चाहिए, जबकि ओबीसी को सबसे पहले ओबीसी के बैठे सत्ता पक्ष विधायक एवं सांसदों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि विधायक और संसद अपनी कुर्सी बचाने के लिए विशेष विमान से दिल्ली जाते हैं और वहां पर इनको बताया जाता है कि अगर ओबीसी के बारे में या आरक्षण के बारे में आपने किसी भी प्रकार का बात की तो आपका टिकट कट जाएगा। ऐसे में जो सत्ता के लोग, लालची लोग, हमारे विधायक या सांसद मंत्री हैं, उन्हें वोट लेना होता है तो ओबीसी दिखता है, लेकिन जब ओबीसी के हित की बात आती है सारे विधायक सांसद चुपचाप हो जाते हैं। ऐसे में इन्हीं सबसे पहले ओबीसी के लोगों को, विधायक सांसद को सबसे पहले इन्हीं को हराने का काम करना चाहिए, ताकि ये समझ जाए कि हम विधायक बनते हैं ओबीसी एसटीएससी के ही मात्र बनते हैं, ना कि अन्य के। जबकि सरकार चाहती है ओबीसी, इस बार अभी तो ओबीसी का ही आरक्षण समाप्त किया गया है, आए दिन कुछ दिन बाद एसटीएससी का भी आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की ये मंशा है आरक्षण खत्म करना। और जो आरक्षण जैविक खेती मतलब गोबर की खाद डाली, ये जैविक खेती नहीं, ये प्राकृतिक खेती है।
इसमें मित्र कीट बढ़ते हैं और उसके कारण पहले साल थोड़ा बहुत उत्पादन प्रभावित होता है, लेकिन अगले साल फिर भरपूर उत्पादन होता है। इससे कितने फायदे, एक खाद का पैसा बच जाता है, लागत कम होती है, कीटनाशक का पैसा भी बचता है, क्योंकि जो जीवामृत घन जीवामृत है वही कीटनाशक का काम करता है। अलग अलग